तो आज हम बात करेंगे कि एमिकस क्यूरे क्या होता है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपके काम आएगा लाइफ टाइम, ओके। लेकिन अगर आप एक लॉ स्टूडेंट नहीं हो फिर भी आप लॉ में नॉलेज रखते हो या इंटरेस्ट रखते हो तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है। तो एमिकस क्यूरे का जो डायरेक्ट मीन वो होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट का दोस्त, सरल शब्दों में कहें तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अब वो दोस्त कैसे होता है? सपोज़ क्या होता है कि कोई भी कोर्ट है उसमें जज है, जज को कोई डिसीजन सुनाना है लेकिन ना उसको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई इसमें क्या होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, मतलब कुछ भी उसको डाउट है, तो वो क्या करता है अपने ज्यूरिडिक्शन के वकीलों को अपॉइंट करता है, यानी कि उसको जो लगता है कि ये एक्सपर्ट है या इसको पता है तो वो अपॉइंट करते हैं कि भाई आप हमारी हेल्प करो इस चीज़ को सॉल्व करवाने में, तो उसको एमिकस क्यूरे बोलते हैं। यानी कि ये हर लेवल पे होता है, सुप्रीम कोर्ट पे भी हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है और लोअर कोर्ट में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो वकील होते हैं उनको ही एमिकस क्यूरे बनाया जाता है, यानी कि उनको हेल्प करवाने के लिए अपॉइंट किया जाता है कि भाई आप कोर्ट की हेल्प करो इस चीज़ में, तो उसको हम एमिकस क्यूरे बोलते हैं। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि यार उसको क्या पे करना पड़ता है या फिर उसको कुछ पे मिलता है, तो देखो अपने आप में एमिकस क्यूरे अपॉइंट होना बहुत बड़ी बात है, रिगेटिंग कमा तो वैसे भी लेगा, लेकिन कोर्ट उसको पूछ रही है कि हाँ भाई, कोर्ट ने यानी कि जज ने वकील को पूछा कि भाई आप हमें हेल्प करो, तो यही बहुत बड़ी बात है, ओके। तो इसके आगे पेमेंट तो क्या मायने रखती है। सो आई होप यू गॉट इट द मीनिंग ऑफ एमिकस क्यूरे। बाय।